हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज दिसा कठेरिया इन फ्रंट ऑफ यू गाइज जैसा कि हम रिवीजन ही कर रहे थे मैंने रिवीजन टेस्ट दिया था आप लोगों को आई होप कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी तो जस्ट ब्रिंग योर क्वेरीज टू मी मेरे पास तक लेकर आइएगा ठीक है क्योंकि नो मोर टाइम इज लेफ्ट अगर आप अपनी क्वेरीज नहीं बता रहे हैं तो गलत बात है भाई अपनी क्वेरीज बताइएगा आई विल सॉर्ट आउट ठीक है नेक्स्ट जैसे कि रिवीजन कराया था इनविटेशन का कर रिविजन कराया था सेम आज मैं लेकर आई हूं जॉब एप्लीकेशन का कर रिवीजन कराएंगे ठीक है तो फॉर्मेट जहां पर भी कहीं लिखा हो जैसे मैंने बोला था आप लोगों को फॉर्मेट जो है एक साइड में एक प्रॉपर कॉपी बनाएंगे जिसमें कि आपका जब भी आपको ड्यूरिंग

एट सनराइज ग्लोबल स्कूल सनराइज ग्लोबल स्कूल ने दे रखा है नोएडा में है ये स्कूल यू आर करुणा और आप करुणा है कहाँ की है आपका एड्रेस दे रखा है मॉल रोड वन फोर्टीन दैली यू आर एम ए इंग्लिश बी एड यानी कि आपने एम ए क्या रखा है इंग्लिश से और बी एड है आप दैली यूनिवर्सिटी से एंड येट टू हैव एनी टीचिंग एक्सपीरियंस लेकिन आपके पास कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस स्टिल ना हो अभी तक नहीं है राइट है जॉब एल्लीकेशन आप लोगों को एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है इन वन ट्वेंटी वर्ड टू वन फिफ्टी वर्ड्स में टू द मैनेजर मैनेजर को आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है ठीक है तो बहुत सिंपल है सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा सेंटर से एड्रेस आप सेंड कर रहे हैं तो आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा डैन डेट लिखना पड़ेगा उसके बाद फिर आप किसको लिख रहे हैं आप मैनेजर स्कूल का एड्रेस उसके बाद हम शुरू करेंगे ठीक है और बायोडा भी इनक्लोज करेंगे इसके अंदर तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम इस पर बात काउट करेंगे ओके और जो फॉर्मेट है उसको भी अपना निकाल लीजिएगा जहाँ भी आपने कहीं लिखा हो जिससे कि आप उसको इजीली देख लें और रिकॉल करें आप लोग ठीक है हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज इजा कठेरी इन फ्रंट ऑफ यू गाइज कि हम रिवीजन ही कर रहे थे मैंने रिवीजन टेस्ट दिया था आप लोगों को आई होप कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी तो जस्ट ब्रिंग योर क्वेरीज टू मी मेरे पास तक लेकर आइएगा ठीक है क्योंकि नो मोर टाइम इज लेफ्ट अगर आप अपनी क्वेरीज नहीं बता रहे हैं तो गलत बात है भाई अपनी क्वेरीज बताइएगा आई विल सॉर्ट आउट ठीक है नेक्स्ट जैसे कि रिवीजन कराया था इनविटेशन रिवीजन कराया था सेम आज मैं लेकर आई हूं जॉब एप्लीकेशन का रिवीजन कराएंगे ठीक है तो फॉर्मेट जहां पर भी गई लिखा हो जैसे मैंने बोला था आप लोगों फॉर्मेट जो है एक साइड में एक प्रॉपर कॉपी बनाएंगे जिसमें कि आपका जब भी आपको ड्यूरिंग भी और एग्जाम आप उसको निकाले और आराम से उसको रिकॉल करिएगा ठीक है तो जल्दी से निकालेंगे और फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि आज हम जॉब एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं न्यू टॉपिक पर जैसे कि ये टॉपिक है यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा इन नेशनल न्यूज एक नेशनल न्यूज में फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर एक सीनियर टीचर की पोस्ट पर इन इंग्लिश ठीक है एट सनराइज ग्लोबल स्कूल सनराइज ग्लोबल स्कूल दे रखा है नोएडा में है ये स्कूल यू आर करुणा और आप करुणा है कहाँ की है आपका एड्रेस दे रखा है मॉल रोड वन फोर्टीन डेली यू आर एम ए इंग्लिश बी एड यानी कि आपने एम ए कर रखा है इंग्लिश से और बी एड है आप वहली यूनिवर्सिटी से एंड येट टू हैव एनी टीचिंग एक्सपीरियंस लेकिन आपके पास कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस स्टिल नाउ अभी तक नहीं है राइट आर जॉब एप्लीकेशन आप लोग को एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है इन वन ट्वेंटी वर्ड टू वन फिफ्टी वर्स में टू द मैनेजर मैनेजर को आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है ठीक है तो बहुत सिंपल है सबसे पहले हमें क्या लिखना

जॉब एप्लीकेशन लिखनी थी जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में टॉपिक लिखवाया था जॉब एप्लीकेशन लिखनी थी आपको टीचर के लिए तो देखिए इसका जो है इसका जो आंसर है इसको जो लिखा है मैंने इसमें पहले आप उसको तो उसको उस वीडियो में प्रीवियस खुद ट्राई करेंगे और इसमें देखेंगे सबसे पहले एड्रेस डाला मॉल रोड दिल्ली फिर फर्स्ट मास्ट ये हमने डेट डाल दी है उसके डेजिनेशन ऑफ रिसीवर यानी कि मैनेजर सनराइज ग्लोबल स्कूल देन नोएडा उसके बाद फिर सब्जेक्ट जॉब एप्लीकेशन फॉर द इंग्लिश टीचर यानी कि पोस्ट इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए सर मैडम दिस रिफर्स टू योर एडवर्टाइजमेंट यानी कि आपके एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग इन द हिंदुस्तान टाइम्स में कौन सी डेट में निकला था ट्वेंटी एट फेररी को फॉर द वैकेंसी ऑफ सीनियर इंग्लिश टीचर यानी कि पोस्ट सीनियर स्कूल वैकेंसी दी सीनियर स्कूल की इंग्लिश टीचर के लिए आपके स्कूल में इस पोस्ट के लिए तो जैसे कि हमें इसे बॉक्स बनाना पड़ता है तो डी टू लेस स्पेस अभी नहीं कर पा पा रही हूँ लेकिन बॉक्स मैंने बना दिया है नेक्स्ट अभी आके लिखवाएंगे और जो इसका जो सब्जेक्ट था टॉपिक था यानी कि आपको जो इसमें लिखना है किसके ऊपर लिखना है आपने हिंदुस्तान टाइप्स ऑफ इंडिया में एड देखा है किसी सीनियर टीचर की पोस्ट के लिए इंग्लिश से आप एम करे हुए हैं इंग्लिश से एम करे हुए हैं डी यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से ठीक है ये आपके सब्जेक्ट में दे रखा है उसके लिए जॉब एप्लीकेशन आप लोग को लिखनी तो इसके ऊपर ये है टॉपिक जो है वो बाई मिस्टेक हो गया था कुछ ठीक है टॉपिक जो है वो प्रीवियस वीडियो में मिलेगा आपको ठीक है तो जल्दी से इसको स्क्रीन शॉट दीजिएगा फिर नेक्स्ट देखेंगे देखिए लिखा है आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहती हूं आई हैव डन एम ए इंग्लिश मैंने एम ए इंग्लिश से किया है एंड बी एच फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी आई हैव इनक्लोज माई डिटेल बायो डाटा विद दिस लेटर और मैंने जो अपना बायो डाटा है वो इस लेटर के साथ एनक्लोज किया हुआ है ऑल दो आई डू नॉट है वर्क एक्सपीरियंस हालांकि जो मेरे पास प्री एक्सपीरियंस नहीं है आई अशियर यू वट आई अशियर यू मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ देट आई शेल गिव माई हंड्रेड परसेंट टू माई प्रोफेशन कि मैं अपना जो हंड्रेड परसेंट है इस प्रोफेशन को दूंगा आई होप यू शैल कंसीडर माई एप्लीकेशन और मैं आशा करता हूँ कि आप जो इस एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे और थैंक यू फॉर थैंक यू योर फेथफुली आपका फेथफुल कर एनक्लोज बायोडाटा करोड़ा है तो सॉरी करूंगी ठीक है हंड्रेड परसेंट दूंगी और जो भी कुछ है दूंगी कर देना ठीक है तो एनक्लोज बायोडाटा जो है बायोडाटा नीचे आएगा अभी इसके ठीक है और हमें कहीं पर भी बॉक्स नहीं भूलना है बॉक्स हमेशा बनाना है जॉब एप्लीकेशन में मैंने दोबारा बता रही हूं जहां पर भी बॉक्स बनाना है एक अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जहां बॉक्स बनाना है अगर आप बॉक्स नहीं बनाएंगे बाय द वे अगर आपका बॉक्स दॉक्स चांस रह जाता है तो योर मार्क्स विल भी डिटेक्टेड योर मार्क्स विल नॉट डिटेक्टेड फॉर इट यू विल हैव टू रिकॉल ईच एंड एवरी कंसप्ट इन योर माइंड ठीक है यू विल हैव टू सेट इन योर माइंड दैट वेयर यू हैव टू मेक बॉक्स और वेयर यू हैव नॉट टू मेक बॉक्स ठीक है सो यू बेटर टू आई हैव टोल्ड यू यू दैट हैव टू मेक प्रॉपर नोट सो दैट यू कैन रिकॉल जो एग्जाम ठीक है कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो आपके एग्जाम के टाइम में सो यू हैड बेटर टू मेक प्रॉपर नोट्स वेट एवर आई एम सेइंग यू यू हैव टू फॉलो मी इफ यू विल फॉलो मी डेफिनेटली ट्रस्ट मी यू विल गेट गुड मार्क्स नॉट गुड मार्क्स यू विल गेट द हाईएस्ट मार्क्स इन योर क्लास ओके तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे हम बायोडाटा करेंगे अब ओके okay? देखिए बायोडाटा में क्या करना पड़ेगा नेम डालना है सबसे पहले नेम गिविन था करुणा सिंह देन जेंडर फादर्स नेम अपने पास से कुछ भी एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे मैंने छोड़ दिया है ब्लैंक बट यू हैव नॉट तो टू लीव दिस ब्लैंक इन योर एग्जाम ठीक है कुछ भी नेम लिख सकते हैं एनी नेम यू कैन मैंशन डेट ऑफ बर्थ लिखनी है मार्ट स्टेटस है अनमेरिट करंट एड्रेस दे देंगे कॉन्टैक्ट नंबर देना है अकेडमिक रिकॉर्ड जो है एंड बी किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी विद सिक्सटी फाइव परसेंट एंड एम फ्रॉम इंग्लिश विद सिक्सटी परसेंट रेफरेंस देना है मिसिस जे एस शर्मा कॉन्टेक्ट नंबर अपने पास से मेंशन कर देंगे मिस्टर रॉय कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे ठीक है एज अ रेफरेंस तो इस तरीके से फिर बॉक्स बना देंगे प्रॉपर वे वे तो आई होप जॉब एप्लीकेशन जो है वो बहुत ईजी है कोई भी मैंने आप लोग को पहले अगर आप लोग को अभी कंप्लीट नहीं समझ में आ रहा है ठीक तरीके से तो प्रीवियस वीडियो को देखेंगे प्रीवियस वीडियो में इसीलिए बोल रही हूं जैसे कि आप लोग इजिली उसको समझ पाएंगे बाका मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक है तो प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को दोबारा रिकॉल हो जाएगा वैसे रिकॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ऑलरेडी रिकॉल होगा इन योर माइंड ठीक है और जहां भी नई प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट शेयर योर प्रॉब्लम विद मी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्रैक्टिस करते रहेंगे ठीक है एमटीजी का था ये सैंपल पेपर जो था एमटीजी से करा रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है